और राजधानी में शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में अभी और ठंड जो है लोगों को सताने वाली है। दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ साथ घने कोहरे का असर साफ नजर आता है। दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें धुंध की वजह से विलंब से चल रही हैं। दिल्ली में कपकपाती की ठंड का दौर जारी है। राजधानी में आज सुबह से ही शीतलहर भी चल रही है। कल कई दिनों के बाद दिल्ली में धूप देखने को मिली थी, जिससे लोगों को ठंड से हल्की राहत महसूस हुई थी, लेकिन ये राहत सिर्फ कुछ समय के लिए ही रही। मौसम विभाग के अनुसार अभी कड़ाके की सर्दियों के दिन बाकी हैं, ठंड की वापसी के आसार बने हुए हैं। दिल्ली और नोएडा में शीतलहर और कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। आज शीतलहर के साथ ही कुछ इलाकों में घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है। वहीं बिहार के सिवान की बात करें तो सिवान में भी कड़ाके की ठंड का सितम लोगों पर जारी है। सिवान में सुबह से आसमान से गिर रहे ओस की बूंदे और कुहासा लोगों की मुसीबत को बढ़ाती नजर आ रही है। पूरा सिवान कुहासे की चादर में मानो लिपटा हुआ है और विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, जिससे वाहन चलाने में भी लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुहासा की वजह से जहां वाहन की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। तो बिहार में कड़ाके की ठंड जारी है, कोहरे की चादर में पूरा पटना शहर जो है वो लिपटा हुआ नजर आता है। कई जिलों में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुंच चुका है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 दिनों तक इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। और राम की नगरी अयोध्या राममय है। प्रभु श्री राम अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। ऐसे में धनबाद की श्रद्धालु सरस्वती देवी ने अपना कठिन मौन व्रत तोड़ दिया है। वे पिछले 30 साल से मौन व्रत पर थी। तो अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन करने के बाद न्यूज 18 पर उन्होंने अपना मौन व्रत तोड़ा। सबसे पहले न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने सीताराम बोला और कहा कि मन आनंदित है, प्रभु श्री राम के दर्शन हुए और मेरा प्रण पूरा हुआ। आपको बता दें कल अयोध्या में हुए कार्यक्रम का सीधा प्रसारण समस्तीपुर में भी कई जगहों पर किया गया। मोरवा स्थित बताया जा रहा है कि एक मैदान में ये प्रसारण किया गया था, जिसमें जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी मौजूद थे। और जैसे ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई, जय श्री राम के जय घोष के साथ ही पूरा इलाका गूंज उठा। नित्यानंद राय ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर खुशी का इजहार किया। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।